प्यारे बच्चों, हम लोग वैद्युत दुधुर पढ़े और स्वाति वर्मा जी, वैद्युत दुधुर का मतलब है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हो तो यही संरचना वैद्युत दुधुर होती है। याद आया? और आपको बताए हैं वैद्युत दुधुर के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दुधुर्व की अक्ष कहलाती है। दुधुर्व की अक्ष का मध्य बिंदु दुधुर्व का केंद्र कहलाता है। केंद्र से धन और ऋण दोनों आवेश बराबर दूरी यल यल पर होते हैं और इस प्रकार वैद्युत दुधुर्व के अक्ष की संपूर्ण लंबाई दो यल होती है। एक चीज समृद्धि और भी समझाया मैंने कि किसी वैद्युत दुधुर्व के आवेशी परिमाण क्यों और दुधुर्व के अक्ष की लंबाई दोयल का गुणनफल क्यों और दोयल का गुणनफल वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण कहलाता है, पी से डिनोट किया जाता है। चित्र में अगर बात करें, आप सब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर यहाँ एक स्थान ए है और जहाँ कोई आवेश रख दिए हैं माइनस क्यू कूलाम का, दिखा सबको एक आवेश कितने कूलाम का रखा है और इसी आवेश के बहुत नजदीक बहुत पास स्थान बी पर एक आवेश प्लस क्यू रख दें तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो आवेश हैं जो समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए यह रचना वैद्युत दुधुर्व है। वैद्युत दुधुर्व का यहाँ बच्चों केंद्र ओ है, केंद्र ओ से यल दूरी पर धन आवेश और यल ही दूरी पर माइनस आवेश। वैद्युत दुधुर्व जो चित्र में दिखाई दे रहा है ए बी के अक्ष की लंबाई, कोई बच्चा बता सकता है चित्र देख के? 2L। वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। और बच्चों वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण जो P होता है यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है, माने वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण वेक्टर पी इस डायरेक्शन में होगा माइनस से प्लस आवेश की ओर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वेक्टर पी की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। कोई दिक्कत किसी को? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ये जो वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण है इसकी दिशा होगी। याद करिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं वैद्युत दुधुर्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ रहे हैं और आपको समझाए हुए हैं कि वैद्युत दुधुर्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए जो वैद्युत दुधुर्व होता है उसके दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग निकालते हैं तो परिणामी तीव्रता आ जाती है। दो स्थितियों में तीव्रता पता कर चुके हैं, वैद्युत दुधुर्व के अक्ष की दिशा में स्थित बिंदु पर माने अच्छी स्थिति में और वैद्युत दुधुर्व के अक्ष की लंबवर्धक रेखा की दिशा में माने निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति वाला डेरिवेशन थोड़ा लेंदी था और वेक्टर एनालिसिस और मैथ दोनों लगी थी, कल हमने दो बार तीन बार समझा दिया था, आप लोग अब जो है घर पे दो तीन बार लिख करके लिख डालिए तभी याद हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं। तो अब एक तीसरी स्थिति भी है कि वैद्युत दुधुर्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विशेष स्थिति में निकालिए। कैसे स्थिति में? तो ये वैद्युत दुधुर्व बना हुआ है, मान लो तीव्रता ऐसे बिंदु पर निकालना है जो न अच्छी हो और न ही, मतलब यहाँ मान ले एक बिंदु यम है, कौन सा बिंदु है? इसी बिंदु यम पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो न अक्ष की दिशा में है न निरक्ष की दिशा में है।
माने ये न तो अच्छी है न निरच्छी है, विशेष स्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखो, मान लिया बिंदु यम जो कि वैद्युत दधुर के केंद्र से चित्र के हिसाब किताब से देखो आर दूरी पर है। कितने दूरी पर है? आर दूरी पर, वैद्युत दधुर के केंद्र से आर दूरी पर, और वैद्युत दधुर के अक्ष से थीटा दिशा में बिंदु यम है। इसी बिंदु यम पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गौर से सुनिए जरा, वैद्युत ध्रुव ए बी के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु यम, जिसके अक्ष से दिशा कितनी है, इसी बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। प्यारे साथियों, हम लोग तीव्रता अच्छी स्थिति में लाए थे जब अक्ष की दिशा में, तो क्या आया था, 1/4π ε0 k 2π/r³। और अभी कल जब निरक्ष की दिशा में माने अक्ष की लंबवर्धक रेखा की दिशा में निकाले थे, तो क्या आया था, 1/4π ε0 k p/r³। याद है? अच्छा, 11th की क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़े थे, तो आपको वहाँ बताया गया था कि कोई भी वेक्टर दो वेक्टरों से मिलकर बना होता है, जिसे उसके घटक वेक्टर कहा जाता है, कंपोनेंट वेक्टर। जैसे यह वेक्टर ए है तो एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए कॉस थीटा और वाई अक्ष की दिशा में घटक ए साइन थीटा, दोनों मिलाने पर फिर से वेक्टर ए बन जाता है। ये घटक वेक्टर होते हैं। जैसे याद करो कि चीनी और पानी मिलाने पर शरबत बनता है, तो अगर वेक्टर शरबत हो तो वेक्टर शरबत के दो घटक वेक्टर, वेक्टर चीनी और वेक्टर पानी होंगे। तो वैसे ही हमेशा हर वेक्टर दो घटक वेक्टर में डिवाइड हो जाता है, कास में और साइन। तो यहाँ गौर से देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के कारण जो वैद्युत दधुर्वाघूर्ण वेक्टर पी है वो माइनस पी से माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है कि नहीं, तो इस वेक्टर पी के दो घटक हो जाएंगे, पी कास थीटा और पी साइन। और बच्चों, पी कास थीटा, कास हमेशा पास, इस दिशा में पी कास थीटा, ये घटक पी कास थीटा, वेक्टर पी का ये घटक कौन सा है, पी कास थीटा। और जानते हो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में घटक होते हैं, तो जैसे ये ऐसे लाइन थी, वेक्टर पी का इधर घटक वेक्टर पी कास थीटा, तो जस्ट लंबवत जैसे हमारा मार्कर है, इस दिशा में कौन सा घटक होगा, वेक्टर पी साइन थीटा। इधर क्लियर? तो यहाँ ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि ये जो है घटक पी साइन थीटा लंबवत घटक है। तो अब आप चित्र देखो, आपके सामने वेक्टर पी जो माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर है, इसके क्या घटक दिखाई दे रहे हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। एक चीज और देखिए, ये जो घटक पी कॉस थीटा है इसकी दिशा में यम है। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, घटक पी कॉस थीटा की दिशा में यम है, और जब कोई बिंदु अक्ष की दिशा में होता है तो उसे अच्छी स्थिति का बिंदु कहते हैं। तो माने पी कॉस थीटा के कारण अगर यम पर तीव्रता निकाले, बिंदु यम पर तीव्रता, और वो तीव्रता अगर वेक्टर ई1 हो, तो ये अच्छी स्थितिक तीव्रता होगी कि नहीं, इधर क्लियर? और ये जो घटक पी साइन थीटा है, देखो इसके लंबवत दिशा में यम है, तो माने इस घटक के कारण तीव्रता जो आएगी, अगर इस तरह से उसको दिखाएं लंबवत वेक्टर के रूप में, ये वेक्टर E2, ये कौन सी तीव्रता होगी, निरक्षीय स्थितिक तीव्रता होगी कि नहीं। तो अब आप एक बार फिर से समझिए कि जो वैद्युत दधुर AB है उसका दधुर्वाघूर्ण क्या है, वेक्टर P, किस दिशा में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में। हमको इस वेक्टर P के कारण अगर तीव्रता माने दुध्रुव के कारण तीव्रता जाननी हो, और एक बिंदु यम पर तीव्रता जाननी हो जो दुध्रुव के केंद्र O से R दूरी और थीटा दिशा में हो, तो इस वेक्टर P के का घटक कल्पना कर रहे हैं, एक पी कॉस थीटा और एक वा पी कॉस थीटा भी ई पर तीव्रता बनाएगा और पी साइन थीटा भी ई पर, दोनों तीव्रताओं को वेक्टर विधि से जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। चित्र जरा समझिए,
पी कॉस थीटा की दिशा में यम है, तो पी कॉस थीटा के कारण यम पर जो तीव्रता बनेगी वो अच्छी स्थिति तीव्रता रहेगी कि नहीं? मान लियो तीव्रता कितनी बन गई है, वेक्टर E1, इधर क्लियर। और पी साइन थीटा देखो लंबवत दिशा में है यम कि नहीं, भाई ऐसे है पी साइन थीटा, तो इसके लंबवत दिशा में यम है कि नहीं, तो पी साइन थीटा के कारण तीव्रता निरक्षी स्थिति वाली बनेगी। और मान लेते हैं वो तीव्रता क्या है, वेक्टर E2। कई तीव्रताएं चित्र में दिख रही है E1 और E2, अगर इन्हें वेक्टर विधि जोड़ दिया जाए परिणामी तीव्रता आ जाएगी। yes, कल अभी बताए थे दो वेक्टरों का जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहले पहला वेक्टर खींचो, जहां से पहला वेक्टर समाप्त हो वहीं से दी गई दिशा में कौन सा वेक्टर खींच दो, दूसरा माने ये वेक्टर E2, ये ऐसे खींच दिए, फिर पहले वेक्टर के शीर्ष को अंतिम वेक्टर, पहले वेक्टर के पृष्ठ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिला दे, तो यही क्या आ जाएगा, परिणामी तीव्रता वेक्टर E। ये ऐसे मिला दिए समांतर चतुर्भुज बन गया, ये यहाँ लिख दिए, माने हमारी परिणामी तीव्रता यमेन है जिसे निकालना है, जो E1 और E2 का परिणामी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, घटक पी कॉस थीटा की दिशा में बिंदु यम है, बिंदु यम है, इसलिए पी कॉस थीटा के कारण यम पर तीव्रता कैसे आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति मिलेगी कि नहीं, कौन सी स्थिति मिलेगी। और E1 से अगर लिखी गई है तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या है, 1/4π ε0k 2π/ यही है बच्चों, तो आप लोग हम लोग यही निकालेंगे, देखो जरा 1/4π ε0k 2π/ 2, तो अप्पी के बजाय यहाँ क्या है, पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब, कोई दिक्कत, समझ आया, ठीक है। और जो घटक पी साइन थीटा उसकी लंबवत दिशा में है यम, तो पी साइन थीटा के कारण तीव्रता E2 निरक्षी स्थिति वाली तीव्रता का सूत्र से आएगी, घटक पी साइन थीटा की लंबवत दिशा में बिंदु यम स्थित है, इसलिए यम पर पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति से आएगी, निरक्षीय स्थिति की होगी। और E2 बराबर, याद करो कल ही डेरिवेशन कराए हैं, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 1/4π ε0k P/r³ होता है मानसु गुप्ता, तो 1/4π ε0k P sin θ/r³, सुष्मी यहां पर समझ रहे हैं, देखो ये जो वैद्युत दुर्वागुण पी था उसके क्या घटक बनाए, एक पी कॉस थीटा जो यम की ओर और एक पी साइन थीटा जो यम की लंबवत, पी कॉस थीटा कारण यम पर तीव्रता कितनी बनी है, चित्र देख के बताओ, वेक्टर E1, और पी कॉस पी साइन थीटा कारण तीव्रता कितनी बनी है, दोनों का परिणामी क्या है, वेक्टर E। और परिणामी निकालने का कल एक सूत्र बताए थे कि दो वेक्टर अगर परस्पर जो है किसी कोण पर हो तो उनके परिणामी निकालने का फार्मूला कल बताए थे, E² = E1² + E2² + 2E1E2, यही बताए थे कि नहीं, तो यहाँ ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है कि नहीं, माने इनके बीच 90 अंश का कोण है, तो देखो वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर कैसे है, लंबवत है, इसलिए इनके परिणामी क्या नाम है परिणामी का, वेक्टर E, हेतु सूत्र कल वाला E² = E1² + E2²
प्लस टू इवन ए टू कास 90, ठीक है। अब आगे देखो जरा सौरभ, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर इवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू इवन ए टू कास 90। यहाँ सौरभ मौर्य इवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू इवन ए टू कास 90 मान जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये ई बराबर आ गया अंडर इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। प्यारे बच्चों इवन का मान रख दें ई टू का मान रख दें और उसके बाद हल कर लें तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी विशेष स्थिति में। और एक चीज बता रहे हैं बेटा, ये जो तीव्रता आ रही है यही तीव्रता का मेन फार्मूला होगा, क्योंकि इसी सूत्र से वो दोनों तीव्रताएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। देखो पहले तीव्रता निकाले तो अतः E बराबर अंडर रूट इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, इवन और ई टू का मान रख दो, 1 upon 4 pi epsilon 0 k 2 p cos theta upon r cube का होल स्क्वायर प्लस 1 upon 4 pi epsilon 0 k p sin theta upon r cube का। देखो बेटा कछु कामन है, कामन लेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 k p upon r cube का होल स्क्वायर कामन हो गया। जो बचेगा ब्रैकेट 2 cos का होल स्क्वायर, यहां सब कुछ निकल गया साइन का होल स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर गायब हो गया, 1 upon 4 pi epsilon 0 k p upon r cube बाहर हो गया, दिख रहा है। 2 cos का होल स्क्वायर मतलब 4 cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सरल कर दे, 1 upon 4 pi epsilon 0 k p upon r cube अंडर रूट 4 cos square theta प्लस साइन स्क्वायर को 1 minus cos square theta लिखा जाता है त्रिकोण विधि से। और बच्चों ये परिणामी सूत्र आ गया E बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 k p upon r cube under root 3 cos square theta प्लस 1। और ये विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीसरी स्थिति है, विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों ये जो तीव्रता का फार्मूला है गौर फरमाइएगा, इस फार्मूले से हम अच्छी और निरच्छी दोनों तीव्रताओं का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर ये फार्मूला हमारा व्यापक माना जाए, कहा जाए अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालो, माने जो बिंदु यम वहां है ये ऐसे, अब ये ऐसे हो जाए तो माने थीटा बराबर क्या हो जाए जीरो। तो इसे सूत्र में थीटा की जगह जीरो लिख दो तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। शाश्वत देखो कैसे आएगा, थीटा जगह जीरो रखेंगे तो 3 cos square 0 plus 1 cos 0 1 होता है, तो ये 3 और 1 4 हो गया, अंडर रूट 4 माने 2 हो गया। तो क्या आ गया 1 upon 4 pi epsilon 0 k 2 p upon r cube, यही तो होता भी है अच्छी स्थिति वाला। और अगर कहे निरक्षी स्थिति में तीव्रता बताओ, माने यहाँ ऐसे लंबवत दिशा में हो, माने तब थीटा 90 हो जाए, तो सूत्र में थीटा की जगह क्या रख दे 90, तो 3 cos square 90 cos 90 मान 0 एक बचेगा, माने आ जाएगा E बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 k p upon r cube, माने इसी सूत्र से दोनों तीव्रताएं आ सकती हैं।
अब हम जो है एक बार और निधि शुक्ला के कहने पर समझा रहे हैं। निधि जी ध्यान दीजिएगा, वैद्युत ध्रुव के कारण विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे साथियों, मान ले रहे हैं कोई एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से बना हुआ और ध्रुव के अक्ष की लंबाई 2L है। यहाँ वैद्युत ध्रुव ए बी दिखाई दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना दिखाई दिया, और गौर से देखिए जरा, वैद्युत ध्रुव के अक्ष की लंबाई 2L है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू इंटू 2L। अब वैद्युत ध्रुव वेक्टर P की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर माने इधर होती है, बना दिखा दिए, इधर क्लियर। अब मान लेते हैं कि वैद्युत ध्रुव के केंद्र से R दूरी और थीटा दिशा पर एक बिंदु M है, उसी बिंदु M पर तीव्रता पता करनी है। तो ये वेक्टर P के कई घटक की कल्पना की है, दो, एक P cos थीटा और एक लंबवत P sin थीटा। P cos थीटा भी M पर तीव्रता बनाएगा और P sin थीटा भी M पर तीव्रता। P cos थीटा के कारण M पर तीव्रता अच्छी स्थितिक तीव्रता हुई वेक्टर E1। P sin थीटा के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थितिक तीव्रता हुई वेक्टर E2। तो दो तीव्रताएं वेक्टर E1 और E2 P cos और P sin के कारण आई, इनका जो है परिणाम ही निकाले। तो ये E1 है, यहाँ से E2 बना दिए, दोनों जुड़ रहे हैं, पहले वेक्टर के पुच्छ को आखिरी के शीर्ष से मिला दिए, परिणाम ही आ जाएगा। तो E1 और E2 लंबवत दिख रहे हैं, इनका परिणामी अगर निकालेंगे तो E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos 90 से ये इतना आएगा, वास्तविक मान 0 हो जाता है। E1 और E2 का अलग अलग मान, E1 माने P cos थीटा के कारण तीव्रता M पर, माने अच्छी स्थिति वाला तीव्रता का सूत्र 1/4πε0R³ की जगह P cos थीटा हो गया, बस P की जगह P cos थीटा हो गया। ऐसे ही P sin थीटा के कारण M पर तीव्रता, माने निरक्षीय स्थिति वाली तीव्रता का सूत्र लगा, P/R³ में P sin थीटा / R³ हो गया। इस सूत्र में मान रख दिए दोनों का, E1 का भी E2 का भी, सामान ले लिए, बाहर आ गया, अंदर 4cos²θ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको 1-cos²θ लिख दिए तो 3cos²θ प्लस 1। ये वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ गया।